विशेष उस पृथ्वी को बचा ले, पृथ्वी उसको बचा लेती है, गंदगी को बचाती है और बदले में देती क्या है, जिंदगी। गंदगी पचाती है, जिंदगी देती है। और तीन शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों पर ध्यान दें, गंदगी, जिंदगी और बंदगी। गंदगी पर विजय पाना जिंदगी है और जिंदगी जो जीता है वो बंदगी के योग्य होता है। हम इस बात को आज से नहीं, अभी पूज्य संत ने, हमारे प्रोफेसर साहब ने इतिहास के अनेक उदाहरणों के द्वारा यह समझाने की कोशिश की है कि स्वच्छता की अनिवार्यता या स्वच्छता की आवश्यकता क्यों है। मैं एक दिन मॉरिशस में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिल जगन्नाथ जी के साथ मॉरिशस की राजधानी का भ्रमण कर रहा था। अचानक मैंने प्रधानमंत्री महोदय से पूछा कि यहां क्या मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्होंने चौंक कर पूछा कि आपको कैसे पता कि यहां मुस्लिम रहते हैं। हमने कहा नहीं, यहां की गंदगी देखकर ही पता लगा कि वहां मुस्लिम है। यह किसी जाति के ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अभी भगवान सिंह जी कह रहे थे स्वच्छता का संबंध मन से है और मैं तो समझता हूं स्वच्छता का संबंध हमारे आचरण से। मन में स्वच्छता के भाव हों लेकिन उन भावों को अगर हम आचरण की दिशा नहीं दे पाते तो स्वाभाविक है कि हम उस स्वच्छता को व्यवहार में नहीं देख सकते, व्यवहार में नहीं प्राप्त कर सकते। दो सन 2000 में मैं